ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। इनकम तो साली बाजुई महंगाई के पाँव है भारी। अरे रोज जाने ये प्राइस नए हर रोज बड़े लाचारी। इनकम तो साली बाजुई महंगाई के पाँव है भारी। रोज जने ये प्राइस नए हर रोज बड़े लाचारी। दुश्मन भी ना मारे इसने धर के ऐसी मारी। लेफ्ट से लग गई राइट से लग गई सेंटर से लग गई। लेफ्ट से लग गई राइट से लग गई सेंटर से लग गई। प्याज के छिलके छोड़ो दाम से मानस रो गए। पर शादी के खर्चों ने कर दिए पैदा कई ब्रह्मचारी। लेफ्ट से लग गई राइट से लग गई सेंटर से लग गई। लेफ्ट से लग गई राइट से लग गई सेंटर से लग गई। 1 2 3 4 लेफ्ट से लग गई राइट से लग गई सेंटर से लग गई। लेफ्ट से लग गई राइट से लग गई सेंटर से लग गई। गोपाल बेटा। ये गोपाल क्या है बापू? अरे उठ जा, देख रिजल्ट आ गया तेरा। अरे इतनी जल्दी कहाँ से आ जाएगा? अरे आ गया, संजो का लॉन्डर देख के भी आ गया और पास भी हो गया। मैं बाद में देख लूंगा, मुझे सोन दो। अरे बाद में खाक देख लेगा तू जब बत्ती चली आएगी। हैं, कहाँ रोल नंबर तेरा? वही है पूजा में, दिए के नीचे। दिए के नीचे बाहर आ गई। ओह शिट। अरे तेरे उस पर तेल लग गया रे। कहाँ गया? अरे गोपाल, अरे कहाँ निकल गया सवेरे सवेरे? Thank you.
और जानते हो आज देश में क्यों हो रही है इतनी महंगाई, क्यों खाना पीना इतना मुश्किल हो गया है? क्योंकि हमें चीजें महंगी बेचकर सारा पैसा बाहर विदेशी बैंकों में जमा हो रहा है, देश में पैसा नहीं है बिल्कुल भी। सही कह रहा है वेद, पैसा ना है देश में। सही बात। और पता है हमारा कितना पैसा स्विस बैंक में जमा है? 280 लाख करोड़। भाई साहब एक मिनट, 280 लाख या करोड़? अरे 280 लाख करोड़। ये क्या होता है भाई? गिनवे 280 के बाद कितनी बिंदियां लगी है? ये तो अंडे की दुकान लगा रखी। और ये सारा पैसा हमारा पैसा है। अजी ये हमारा कैसे हो गया? क्यों नहीं, हमने ही तो महंगे दामों में चीजें खरीद के इन लोगों को पैसे दिए हैं। और ये सारा पैसा काला धन है, काला धन। अरे अभी तो कह रहे थे हमारा पैसा है और अभी कह रहे हैं काला धन है। हुँ? अरे हमारा नहीं है इसलिए तो काला है, हमसे तो ले लिया ना। तो जानते हो अगर ये सारा पैसा हमारे देश में वापस आ जाए तो देश के हर आदमी को 4 लाख रुपए मिल सकते हैं। 4 लाख? एक एक आदमी को 4 लाख, सोचो 4 लाख। जी हाँ, हर आदमी को 4 लाख। और औरतों को 10 रुपए, मतलब हर इंसान को, मतलब बच्चों को भी। उसके लिए आवाज उठानी होगी। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो, 1 2 3। हेलो, आगे ऊपर तक आवाज पहुंचानी होगी। जब पूरे देश का दबाव पड़ेगा तो आएगा सारा पैसा वापस, हमारा पैसा। आंदोलन करना पड़ेगा, यहाँ हर रोज 2 घंटे बैठना पड़ेगा, तब जाके पहुंचेगी हमारी। अरे वेदपाल जी फिर हो गया। फेल कर गई हवा, देख लो। अरे यार तेरे को इतना समझाया भाई कि तू ये ट्यूब बदलवा ले, 5 पंचर के बाद ट्यूब चलती है कहीं। ये देखो क्या हुआ। अरे देखो क्या, ये तो तेरा टायर भी एकदम खत्म है भाई। ना जी, पंचर ही लगा दो एक और, इसके बाद तो मेरा ट्यूब वाली टायर ही लगाऊंगा। अच्छा तो फिर हम क्या अपने मुंह पे पंचर लगाओगे, खावांगे क्या? ये सारे कंपनी वाले भी रोज नई नई आफत खड़ी करते रहते हैं। वेदपाल जी हाँ, पुतन जी आज आएंगे क्या? अरे यार वो तो पिछले 3-4 दिन से। अरे गोपाल यहाँ इधर। अरे क्या रहा भाई तेरा रिजल्ट? जी कुछ खास नहीं। अरे पास तो हो गया ना? शेर कभी पास नहीं होते अंकल, दूर रहते हैं जंगल में। अरे सही तो बोला अंकल को। अच्छा ये बता पुत्र का आजकल दिखा नहीं देता? जी वो आजकल काम ज्यादा है ना ऑफिस में, तो लेट ही आते हैं भैया घर। मुझे भी काम था उनसे, मुझे भी काम था उनसे। तो वही जाके मिल लेना, वही मिल जाएगा ऑफिस में चिल्लाता हुआ। जा चल 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 चल, फुर फुर पीछे 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 से लान रहा हूं जी। अरे खींच के लाना है इधर। अरे आगे से जी, तू इधर बंदी सी बंदी सही है। चल चल चल, मान जाएगी मान जाएगी। शाबाश शाबाश, चल उठाओ पीछे। अरे कहां सुन रहा हूं, चल चल चल। अरे हो गया हो गया हो गया हो गया। चल चल ऐसे लिया इसे लिया भाई जी, ठीक है। मुबारक हो जी, हो गया काम। कितनी मेहनत करनी पड़े, तीसरी सर्विस में जाके हुआ है काम। आप ही की वजह से हो पाया जी। हमें तो लगा था अब ना ब्याह पाएगी। अरे बस 2 महीने बाद वापस ले आना, डॉक्टर साहब जांच करके बता देंगे कि पेट से है कि नहीं। ठीक है जी। ठीक है ठीक है जी। चल चल बेटी आ जा। हाँ जी ले आऊं। अरे अभी रुक जाता हूँ, अभी तो हटाए सान टाइम लगेगा। अजी बहुत टाइम हो गया, सुबह से बैठा हूँ। अरे तो मैं क्या करूँ, उसे आराम चाहिए कि नहीं वापस उठने में। आज मेरा नंबर आएगा जी? अरे एक दिन में 2 से ज्यादा ना होता, कल आना। कल तक तो बहुत देर हो जाएगी जी, वो तो रात से ही हीट पे है। अरे कहाँ हीट पे है, हफ्ता बाकी है अभी। अजी ये रजिस्टर थोड़ी ना होगा हीट पे, आप खुद चलकर देख लीजिए। यार तू संभाल यार। चल दिखा। चलिए चल। ये देखिए। अरे कहाँ है यार हीट पे, फालतू बात करते हो, अगले हफ्ते आना। अजी बाहर तो 2 लोग और खड़े हैं गा लेके। कह दे परसों आएंगे, आज का कोटा पूरा हो गया, कह दे। और कहना परसों डॉक्टर साहब भी आएंगे 11 बजे। जी ठीक है। क्या बात है भाई, कद्दू कुछ ज्यादा ही पसंद है क्या, कल भी आज भी?
नहीं नहीं नहीं, इसमें प्याज नहीं पड़ता ना, इसलिए पहले जो प्याज काटने में आंसू आते थे, अब प्याज खरीदने में। यार ये महंगाई ने ना भैंस की आंख कर रखी है। कल न्यूज में था पेट्रोल फिर बढ़ने वाला है। ये देख, मैं अपना कोटा साथ लेके चलता हूँ, यहाँ से घर, घर से यहाँ, वरना गोपाल और उसके लौंडे एक चक्कर में 25 रुपए का पेट्रोल फूक के आ जावे। वो पता देख ले, इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ काम ज्यादा है और सांड सिर्फ एक। लोन लेकर दो प्राइवेट सांड ले ले, अच्छी खासी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। इस महंगाई में तो एक्स्ट्रा इनकम के तरीके सोचो। अबे ये काम लेके जाऊंगा ना घर पे, बाबूजी फेंक देंगे बाहर। वैसे ही मेरे काम के बारे में बड़बड़ करते रहते हैं। भाभी का पार्लर कैसा चल रहा है? अरे क्या चलेगा, आदमी खाने का खर्चा निकाल नहीं पा रहा है, ब्यूटी पे कहाँ से खर्च करेगा। निकाल लेती है थोड़ा बहुत। ये हुआ चेंज, ये तो बहुत कम है। और ये हुआ 10 इंच, ये तो हाँ हाँ ठीक है, इतना ठीक है दीदी। पर अरे कुछ नहीं, उतना देखने के बाद उसे दिखाई देना बंद हो जाएगा। आदमी के हाथ से पहले उसकी नियत फिसलती है। वैसे देख ले, घुटने तक भी हो सकता है। पर उसके पैसे तो और भी ज्यादा होंगे ना। लेकिन सुहाग रात तो लाइफ में एक ही बार आती है ना, तो समझ ले अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे रही है। अरे नहीं नहीं, जरूरत क्या है फालतू खर्चे की, जिंदगी भर गिफ्ट ही लेनी है उसने। जल्दी कर दो नूरी दीदी, फटाफट, 1 घंटे में विदाई है इसकी। बिंदिया हाँ? चल शुरू कर दे, हीटर निकाल। हाँ दीदी। घर पे किसी को बताया भी नहीं, माँ तो सुबह से रो रही है। चिंता मत कर, बढ़िया वैक्स करूंगी। ससुराल में इतना प्यार मिलेगा कि मायके की कभी याद नहीं आएगी। दीदी आप भी ना। संतोष ये तूने आईब्रोज करवाई है क्या? हाँ वो एक्चुअली परसों विभा की शादी थी ना, तो वहीं करा ली थी। ढंग से नहीं की उसने, दिखा तो। अरे रहने दो दीदी। अरे पैसे नहीं ले रही हूँ, थोड़े सही तो कर दूँ। दीदी इतने सालों से देख रही हूँ, आप हमेशा इतने टिंच लगते हो, राज क्या है? भाई हमें तो बचपन से टिंच रहने का शौक है। हमारे पापा तो ये कहते थे, पहले ड्रेस फिर एड्रेस। तो बस खुद भी टेंच रहते हैं और दूसरों को रखते भी हैं। सुन तू ना हाथों की थोड़ी वैक्सिंग करा ले, देख अच्छा नहीं लगता ना, शाम को रिसेप्शन है। पर दीदी। अरे पूरा मत करवा, देख यहाँ तक तो चूड़ियाँ होंगी, बस इसके आगे यहाँ तक करवा ले, 100 रुपए में हो जाएगा दोनों हाथों का। क्यों पारुल? हाँ दीदी करा लो। अरे मैं दे दूंगी, मेरी तरफ से जीजा जी को गिफ्ट। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप भाई साहब, हम क्या चोर दिखते हैं? चोर कोई ना दिखता, चोरी दिखती है। अरे मैंने कह दिया ना, मैंने जाने का कहीं। बिल सारे तुम्हारे नाम पर है, केस तुम पर ही बनता है। हाँ तो बता रहा है केस पेस, मैं इस कुर्सी से नहीं उठेगा। तो बस ठीक है फिर, आप कुर्सी पे चलो या पैदल चलो, चलना तुमको ही पड़ेगा। अरे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, फोन लगाने पुत्र को। लगा तो दिया, तो आया क्यों नहीं अब तक? अरे हवाई जहाज थोड़ी उनपे आ रहे हैं। अरे क्या हो गया? अरे देखियो नोरी, मुझे थाने जाने की बात कर रहा है, कहता बिजली चोरी कर रहे हो तुम घर में। वाह ऐसे कैसे बोल रहे हैं भाई साहब आप? ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ बहन जी, देख के बोल रहा हूँ। अरे मैंने सारे बिल ला के दिखा दिए इसको, मान नहीं रहा, ये तो मुझे चोर बनाने पे तोड़ा हुआ, थाने ले जाएगा मुझे। अरे बिल की बात नहीं है ताऊ, तार डाल रखा तुम लोगों ने छत से। अरे अकल के दुश्मन, बिजली तो तार से आ गई, पैदल चल के आ गई। अरे क्या बात हो गई नागपाल, क्यों हल्ला मचा रखा? अरे देख रहे सतपाल, कहता तुम्हारे यहाँ बिजली तार से आती, केस बनेगा। भाई साहब बिजली तो हमारे घर में भी तार से ही आती है, पूरी कॉलोनी का यही सिस्टम है। भाई साहब तुम दोनों क्या एक ही जगह ट्यूशन पढ़ते थे क्या बचपन में? दीदी वो बुला रही है। अरे चुप रहे दीदी की बच्ची। दीदी जल्दी आओ ना, उसकी विदाई शुरू होने वाली है। अरे एक ही पैर बचा ना, आ रही हूँ बस। अरे पुत्र, अरे पुत्र इतनी देर से कहा था भाई, इसे देख मेरी जान के पीछे पड़ा, कहना पुलिस बुलाएगा। अरे कौन बुला रहा पुलिस? अरे भाई साहब पुलिस के आने से भी क्या होगा, तार तो गवर्नमेंट ने डाल रखी है। अंकल मैं हूँ ना, तू यहाँ क्या कर रही है, पानी लाने इनके लिए? आप बैठिए भाई साहब। अरे भाई साहब मैं नहीं बुला रहा हूँ पुलिस, पुलिस तो खुद ही बुला रहे हैं तब से। मैंने सिर्फ इतना कही कि तार डालना गैर कानूनी है। हाँ हाँ तू बड़ा है एसपी का बच्चा। एक मिनट बाबूजी। लेकिन तार तो सभी डालते हैं जी मोहल्ले में, सवेरे निकाल लेते हैं। बहन जी चोरी तो बहुत होती है, लेकिन जो पकड़ा जाता है ना चोर वही होता है। ऊपर जाके देख लो तार पड़ा आपका, इससे पूछ लो। वो रिजल्ट के चक्कर में भूल गया निकालना।
अरे आज तो तेरा रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ? हो गया। अरे वाह शाबाश शाबाश। अबे तार तेरे डाली थी? अरे ताऊ तार डालने का केस नहीं है, निकालना निकालना भूल गए इस बात का केस है। अरे नालायक तार ही निकाल लेता, इंटर तो ना निकाला तूने। ना निकाला मतलब? अरे फेल वाली बात ना बताई तूने। बोला तो। अरे चुप। बोला भाई साहब? ना ऐसा तो नहीं बोला कि फेल हो गया। नहीं नहीं, आपको बोला क्या? फेल बोला? नहीं फेल तो नहीं बोला। फेल? दीदी उनके घर से फोन पे फोन आ रहा है और सब लोगों ने रोना भी शुरू कर दिया, आप चलो। ठीक है उसको बोल तब तक एक ही पांव दिखा के काम चला ले, दोबारा आएगी तो कर दूंगी दूसरा। अरे भाई साहब एक पैर दिखा दो, एक केस बना दूं। अरे पता नहीं देख ले, देख ले एसपी पर ना जा रहा है ये। बाबूजी घुंडी धरा भाई साहब, बिजली बहुत महंगी हुई तो करना पड़ता है ये सब, अब देख लो आप। भाई साहब इस महंगाई के जमाने में हमें भी ड्यूटी करनी पड़ती है, आप दिखा दो। ये कौन सा नोट है भाई साहब, 50 का? ये नहीं चलते इलीगल काम में। ना ना कब का बंद हो चुका भाई, खर्चे बहुत बढ़ गए, तीसरी बार फेल हो गया है, उसका तो अभी एक टांग भी पूरा नहीं हुआ। किसकी टांग हुई है? और भाई साहब वो फेल हो गया तो मैं क्या करूं, मैं अपने खर्चे गिनवाऊ ना आपको? भाई साहब दो बहने हैं जवान शादी लायक, माँ है, पिताजी है, बच्चा है, बीवी फिर पेट से है, देखा 2000 देने का मन कर रहा है ना आपका? कैसे कर लेते हो ये सब? ऐसे ही करते हैं भाई साहब, ऐसे ही सब चलाना पड़ता है। चलो बाबूजी को थैंक यू बोल दो, अब तो बोल दो ना। थैंक यू अंकल, बस आप तार याद से निकाल लिया करो अंकल। अरे तय निकल पहले यहाँ से यार ये। चलो वैसे ही है, रहने दो अब तुम उनको, छोड़ दो। अब तू कहाँ जा रहा पुत्तन? छोड़ के आ रहा हूँ जी आगे तक। अरे चला जाएगा खुद ही, तूने उसकी पूछ पकड़ रखी क्या? अरे यार ये ले लो तुम। भाई जा चल चल आओ ना, आओ ना ट्रैफिक जाम है उधर, आप निकल ही लो बस। अबे चल ठीक है। कहाँ गया गोपाल? अरे गोपाल हो गया फेल और मैं चला जाता जेल समझे? अरे फिर फेल हो गया? हाँ तू तो भी पूछ रहा है जैसे आज तक फेल ही नहीं हो कभी। हो गोपाल पुत्तन? गोपाल अरे मेरी बात सुनो, पापा जी मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर चोरी करते हो बिजली की। ओ तेरे की, तू पेट्रोल जरूर बचाएगा यार, इसका मतलब चढ़ नहीं है तेरे को। गोपाल मैं कितने भी नशे में रहूं ये काम नहीं कभी भूलता, समझ रहा है? आ गया घर, हम में है ही नहीं दम। अरे यार मैं भी कहूँ मेरे को भी चढ़ी क्यों नहीं? जब तक रम में नहीं होगा दम वेदपाल, कैसे मिटेगा गम? फिर क्या करेंगे हम? हाँ भाई चलो भाई। हाँ भाई अच्छा सुन पुत्तन, क्या? कल धरने पे जरूर आ जाना भाई, 4 दिन हो गए यार। मैंने बस समझ में नहीं आता मेरे भाई, 10 मिनट के लिए आना और क्या है? कब आना है? कब? कल आना है। चल ठीक है भाई आ जाएंगे। अरे भाई तू ठीक से जाना, ठीक है? मैं ठीक हूँ जी, चल ठीक है। घर में लड़ाई ना करियो। अरे नहीं ना चलाऊंगा मैं। अरे बोर्ड पे इतने सारे अंडे बना रखे हैं, एक दो अंडे के लिए तो बैठना ही पड़ेगा ना भाई। चल भाई जग से लाज दूरी। ओनू क्या हाल? कौन वो वेदपाल? अपना बड़े खुश दिख रहे हो, कहाँ से आ रहे हो लगा के? आओ यशपाल के ना बच्चा हुआ तो थोड़ी थोड़ी। चलो 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 बाबूजी। क्या हा? अरे बाबूजी ने आज खाना भी नहीं खाया, आओ तो। हाँ भाई आप साल भर तक और बांसुरी बजाओ, ठीक है? संगत में तबला बजा देंगे बाबूजी आपके। जय माता दी। बाबूजी, ओ बाबूजी खाना खा लो। क्यों बनवाया तूने मटन? मटन? हाँ मैं ना खाने का तेरी कद्दू लोगी रोज रोज,
दस दिन से कह रहा हूँ मटन बनाओ मटन बनाओ, लेकिन मेरी कोई सुने तब तो। अरे बाबूजी सब आप ही की तो सुनते हैं। मटन भाव मालूम है मटन का? मटर के लिए पैसे नहीं, मटन खिला। अब तुम कब कह रहा हो रोज रोज बनाओ, महीने में एक दिन तो बन सकता है। हाँ तो जिस दिन बनेगा ना मिल जाएगा आपको, बता देंगे। अरे तेरे पास मेरे लिए कोई पैसे नहीं होते, कभी पैसे नहीं होते तेरे पास, और बिजली इंस्पेक्टर को देने के लिए खटाखट खटाखट जैसे टाटा बिल्डर हो तू। अरे कोई खुशी खुशी थोड़ी खर्च कर रहा था भाजी, कलेक्शन कट जाता तो ज्यादा देने पड़ते ना। तो मैंने कही थी कि तार डाल। अरे आप क्यों बोलोगे, आप कोई बिल भरते हो? हाँ बिल तू दिए जा, और ये जाए तेरा बाप। लगा रखे क्या भैया ने? हाँ जब ही मैं कहूँ, वैसे तो मूलपालगर की तरह रहते हैं और दो लगाते हैं अमिताभ बच्चन हो जाते हैं। बचाता हूँ हर महीने, आपका क्या, आपका तो बस मटन खिला दो। अरे जा, इतनी इतनी बात सुना रहा मुझे, तेरे खाना मुझे तेरा मटन, मटन मेरा ही मटन खाते हो रोज, रोज खाते हो मेरा मटन। वो चमगादड़ 3 बार इंटर में फेल हो चुका है, उस पर नजर नहीं जाती, मेरे ही तार डालने पर आपकी नजर चली जाती है। वो लाडला है ना, इंटर में फेल है वो, क्या कर लेगा तू, तुझे क्या दिक्कत है? नहीं इनका टेप ना होता बंद, ले आओ। तूने एंटर किया तो तूने। हाँ मैं लेके आती हूँ। क्या उखाड़ रहा है? हैंडपंप उखाड़ दूँ? कर तो रहा हूँ नौकरी, चुप। अरे जा, तेरी नौकरी सबने देखी है, लोगों को बता दे शर्म आती है कि बेटा क्या काम करता है। हाँ तो शर्मा शर्मा तो मर जाओ आप। मैं ना मरने का भी नहीं मरने का, जब तक पोते का मुंह नहीं देखूंगा समझे, और तू बढ़ा जा, सांडों का बंश बढ़ा जा, बढ़ा जा, चुप कर, मेरे मंच की चिंता मत कीजिए कभी। अंदर चलो, रहने दो, हो गया बस। और सुन लो, मैं गोपाल की शादी करने जा रहा हूँ इसी साल, इसी साल। अरे भाई तू आदमी है कि मजाक, एक ही बात कितनी बार समझाऊं तुझे मैं? आप चाहे तो एक हफ्ते के लिए रख के देख लीजिए, चाहे तो पैसे भी मत देना। अब सांड का एंट्रेंस टेस्ट लूं मैं है? अरे जब कह दिया है यहाँ सिर्फ सरकारी सांड इस्तेमाल कर सके हम, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि इसे सरकारी नौकरी दिलवा दीजिए। वैसे भी आपके यहाँ एक ही सांड है, मेरा वाला सांड आपका हाथ भी बटा देगा और 2 पैसे मुझे भी मिल जाएंगे। ए भाई पुत्तन, अरे यार रही हो जरा, श्यामपाल की गाय नहीं मान रही। अरे इसे पहले मना ले तू। हो सकता है श्यामपाल की गाय मेरे सांड से मान जाए। संभाले। अरे पुतन जी, पुतन जी ट्राई करके तो देख लीजिए। अरे क्या है? अरे तू बैठा रहे। देखिए ना मान रही तेरी गाय। पर मैं तो कब से खड़ा हूँ जी। अरे गाय नहीं खड़ी हो रही ना तेरी, सरकार कैसे भी करके गाबिन करा दीजिए ना। अरे कहाँ से करवा सकता हूँ, मेरा कुछ है थोड़ी ना, मैं कैसे करवा सकता हूँ भाई। चल भाई पुत्र, खाना खा लेते हैं यार। नहीं तू खा ले यार, मैं नहीं खाऊंगा। क्या हुआ, परेशान लग रहा तू? नहीं यार, मुझसे कह रहा था कि मेरा मटन तो तुम रोज खाती हो, बोल क्या कहूँ उससे यार। अरे गुस्से में आदमी बोल जाता है नागपाल। अरे यार बचपन में इसको मैं हफ्ते में 2 बार रबड़ी खिलाने ले जाता था, हर रोज घी के पराठे का नाश्ता कराता था, महंगाई तब नहीं थी क्या? पर ऐसी आग ना लगी थी तब। छोड़ यार, खर्चे कम थे, न मोबाइल था, न मोटर बाइक, न केबल, न गैस, न फ्रिज, हंसते खेलते जुगाड़ हो ही जाता था नागपाल। जब आदमी अपने ही परिवार को ढंग से खाना ना खिला सके तो क्या मतलब है कमाने का यार। मतलब यही है कि कमाई कम पड़ रही है। देख गोपाल को काम पे लगवा दे, घर में 4 पैसे और आएंगे तो खर्चा आसान हो जाएगा। अरे छोड़ यार उसकी, 3 साल तो 10वीं में लगा दिए, अब 12वीं में 3 बार फेल हो चुका है। अरे तो पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में मत पड़ना, उसको कोई काम वाम पे लगवा दे। लगवा चुका हूँ, मोबाइल रिपेयर कोर्स में लगवाया था, कुछ सीख जाएगा फिर कहीं काम पे लगवा दूंगा। फीस भी भर दी, ससुर ने छोड़ दिया, मेरठ में एक फैक्ट्री में नौकरी भी लगवा दी कि कुछ कर लेगा। 2 महीने बाद वहां से भी लौट के आ गया। अच्छा अच्छा, देख मेरे तो दिमाग से निकल गया, एक नई गवर्नमेंट स्कीम आई है, उसमें ब्याज मुक्त ऋण यानी कि बिना इंटरेस्ट के लोन मिल रहा है, कोई उदय भारत रोजगार योजना है। मेरे सबसे बड़े भाई साहब ने अपने सबसे छोटे बेटे के लिए, वो कोई मशरूम का बिजनेस शुरू करना चाहता है। करके देख चुका हूँ, मेरठ से लौटने के बाद भाई साहब को पॉलिट्री बिजनेस का भूत सवार हुआ था, 10,000 रुपए भी गए
और सारी मुर्गियां खुद को खानी पड़ी। भाई देख ले, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी स्कीम है। 10वीं पास के लिए 1,00,000 रुपए, 12वीं पास के लिए 2,00,000 रुपए, और 3 साल तक कोई इंटरेस्ट भी नहीं। मतलब ये लोन 3 साल तक महंगा नहीं होगा, और ये दाल हम खा रहे हैं ना, ये भी 2 साल में दुगनी हो जाएगी। छोड़ यार ब्याज वाज, जो लिया है वो तो चुकाना ही पड़ेगा ना, और कहीं मेरे सर आ गया तो चुकाएगा कौन? खुद करता है तो करे, मेरा तो भरोसा भी नहीं रहा उस पर। 300 रुपए ले ले। ला भाई चाल दे इसको। पापा, मम्मी ने सॉस की बोतल मंगाई है, पकौड़े बना रही है आज। छोटी वाली बोतल दे दे भाई। ला भाई काट ला। एक ब्रेड देना जी। ला भाई काट ला। ए भाई ए लाइन पे खड़े रहो। लाओ लाओ काट लो, अपना काट लो। और कुछ नमकीन नमकीन चाहिए? ना ना। अरे आंटी लाइन में रही है ना, क्यों आगे बढ़ रहे हो? लाओ काट लाओ। चीनी? चीनी नहीं है अभी तो, मेरे आगे जाने वाले को दे दी चीनी। हाँ तो आप खत्म हो गए, कहाँ से दूँ? ये भाई बोरी दिखा दे। ऐसे ही कैसे खत्म हो गई? इस महीने की तो चीनी मिली नहीं मुझे। अरे मैं क्या करूँ, अपने घर से ला के दूँ क्या? मिट्टी का तेल है चाहिए? अरे अपने सर में डाल मिट्टी का तेल, निकाल मेरा कार्ड, लेके जाओ। सब चोर है साले। क्या कह रहा है ये? कह रहा है चीनी खत्म हो गई। ऐसे कैसे खत्म हो गई चीनी? क्यों भाई लाला? ये लो, ये तो यहाँ चीनी दे रहा है। अरे कंट्रोल रेट की ना है, 40 रुपए किलो है। अरे बाप रे, तभी तो तेरे दुकान पे लाइन ना है। क्या हो गया? चीनी नहीं दे रहा। हाँ भाई रामपाल, क्या हाल? उत्तन ठीक है, बोल क्या दें? अरे 2 किलो आटा दे दे भाई। 2 किलो आटा दे भाई। हाँ ये ले। अरे ये ले ले, पकड़। अरे ऐसे कैसे, इस पे डाल देना। 48 रुपए। 48 रुपए। अरे ऐसे कैसे, पिछले हफ्ते तो 45 रुपए था। हाँ तो रेट बढ़ गए भाई। अरे ऐसे कैसे बढ़ गए दाम, उसके पिछले हफ्ते 44 रुपए का था यार। अरे तो क्या मैं रेट बढ़ा रहा हूँ? और कौन बढ़ा रहा है फिर? देख भाई, न मैं गेहूं उगाता न मैं पिसाई कराता, होलसेल मार्केट में रेट बढ़ता है वही देता हूँ। अरे ऐसे कैसे कोई रेट बढ़ा सकता है? रेट बढ़ाने का कोई हिसाब होगा? कुछ भी बढ़ाया जा रहा है यार तुम तो। अरे छोड़ यार, तेरे बस की चीज ना है, हमेशा का ड्रामा है तेरा। अरे अगर इतने सस्ता लग रहा था तो पिछले हफ्ते ही ले लिया होता। रख दे भाई से वापस, ये ले। एक तो उधारी दो, ऊपर से बात सुनो, और सुन पिछले महीने के पैसे बाकी हैं भी। देखिए बाबूजी, रिश्ता तो मैं एक से एक ला दूं, पर अपने गोपाल के पास कोई नौकरी नहीं है ना, वरना एक रिश्ता तो मेरे पास इतना अच्छा कि पूछिए मत। अरे पंडित, नौकरी से क्या मतलब है तेरा, हैं? अरे जिस घर में 4 आदमी खाते हैं रहते हैं, वहां 5वां नहीं खा सकता? बाबूजी लड़की वालों को ऐसे कैसे समझा सकते हैं? अरे सब फालतू बात है। अरे पंडित जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और सब ठीक ठाक? बड़े दिन बाद। कृपा है ऊपर वाले की। अरे वाह, ये सही कहा आपने। गोपाल, गोपाल। हाँ जी बेटा, ये भाभी को दे देना, कहना मटन है और कहियो तीखा तेज बनाए जैसा बाबूजी को पसंद है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे पंडित सुनो, सही चाय वाय तो पी के जाओ। नहीं नहीं नहीं, बस हो गया। और खाना पीना? खाना ना। हमेशा जल्दी में ही रहते हो आप। हाँ गोपाल, ओ गोपाल, पानी पियोगे? अरे पानी ठीक है, ये देख 30 रुपए का छोटा रिचार्ज, फुल टॉक टाइम, बात करियो। अजी हाँ। हाँ अच्छा हुआ तू बाहर नहीं आई। एक चीज लाया हूं तेरे लिए। क्या? तू बता, तेरी डिमांड थी। शावर कैप। आए है, कौन बनेगा करोड़पति? सही जवाब। ये देख कैसा है। अरे वाह, पहन के बताना। अरे ये तो नहाने की है। अरे तू नहाने की चीज लगा लेगी तो क्या हो गया, लगा ना। अरे नहीं, ये तो नहाने में पहनते हैं। एक बार एक बार। अच्छा लो तुम ही पहना दो। अरे होए,
तू तो नहाते हुए भी बड़ी खूबसूरत लगती है। पहले मटन फिर शावर कैप, बड़े सही मूड में हो जी। चक्कर क्या है? मुझे तो बहुत सही आइडिया लग रहा है ये। मुझे भी ठीक ही लग रहा है। ठीक? अरे ठीक नहीं भाभी, जबरदस्त आइडिया। जबरदस्त क्या? जबरदस्त है, बिल्कुल फालतू है। 1 लाख का लोन लेके 3 साल का राशन बन लो। वाह वाह। अरे सही तो है, जब ऐसी खाने का जुगाड़ हो रहा है तो नौकरी करने की क्या जरूरत है। अब बावड़ा हो गया क्या, खाने के लिए भी कोई लोन लेता है? पाऊ जी, खाना ही तो महंगा पड़ गया आज के जमाने में। रोज रोज खाने के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हम कटौती किए जा रहे हैं। ऐसे ही कटौती रही ना तो देखना, एक ही टाइम खाना खा पाओगे, वो भी एक ही थाली में। हाँ, महंगाई की तो पूछो ना, जिन पे पैसे हैं वो तो डाइटिंग कर रहे हैं और जिन्हें भूख है वो खा नहीं पा रहे। अरे बेटी, तो क्या 1 लाख का राशन भुगस देंगे हम लोग? बाबू जी, पहले आप आइडिया समझ तो लो। बोल। देखिए बाबू जी, क्या है कि हर महीने हमारे राशन का बिल बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाँ। क्योंकि हर चीज की कीमत 3 दिन बाद बढ़ जाती है। तो हम 1 लाख रुपए में 3 साल का राशन भर के रख लेंगे तो 3 साल तक तो महंगाई की कोई चिंता नहीं रहेगी हमें। और वापस ना करने पड़ेंगे 1 लाख? हाँ पापा जी, तो हर महीने करेंगे ना 3,000 बैंक में जमा, 3 साल में 1 लाख हो जाएगा, उससे लोन चुका देंगे। सही तो है। अच्छा 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 अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले 3 साल तक हम हर महीने 3,000 रुपए राशन के नाम पे जमा करेंगे। बस सिर्फ 3,000, वो भी फिक्स। उसके बाद होता रहा है अपना आटा तेल गेहूँ महंगा, अगले 3 साल तक तो हमारे लिए कुछ नहीं महंगा होने वाला ना, और ना ही खाने में कोई कटौती करनी पड़ेगी। समझ है कि नहीं धांसू आइडिया? नूरी बता मुझे, लास्ट कड़ी कब बनी थी? अच्छा कड़ी छोड़, पराठे, खीर। भाजी, हर साल होली की गुजिया कम हो रही है, नन्हा सा था ये दिवाली में जब पूरी और हलवा खाए थे। फल फ्रूट की तो सोचो ही मत। अरे राशन के खर्चे से पैसा बचे तब तो सोचे आगे कोई। मुझे भी शैम्पू का एक पाउच ना 4-4 बार चलाना पड़ता है, देखो सारे बाल ड्राई हो गए मेरे। बात तो सही है पुत्र। क्या? मुझे भी खीर खाए 2 साल से ज्यादा हो गए भैया, मिंटू की शादी में खाई थी, अब तो उसके बालक भी हो गया। अरे अब तो समझ गए ना बापू, अरे उसके बाद तो हर हफ्ते बन सके मटन। अरे हाँ सच कह रहा है? और क्या। अरे पुत्र बहुत बढ़िया क्या बात है। चलो ठीक है, फिर सीधे जाके रामपाल की दुकान से सब सामान खरीद लेंगे, साले की दुकान ही खाली हो जाएगी। देख लो तुम, फिर रामपाल 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 की तरफ क्यों जाता तू? अरे होलसेल की दुकान से सामान लेंगे, सस्ता पड़ेगा, और 3 साल का खरीदेंगे ना तो और भी सस्ता मिलेगा, कसम से मजा आ जाएगा। पर एक बात ध्यान से सुन ले भैया। अब क्या? सामान अगर घर में आएगा तो चुपचाप आएगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्यों? अबे मोहल्ले वालों को पता चल गया तो चोरी का डर। बे वो पिछले साल रामपाल की दुकान से 2 चीनी की बोरी चली गई थी ना। हाँ, ये पापा जी सही बोल रहे हैं, लोगों को पता चलेगा तो जलेंगे अलग। ठीक है, कल से सब लोग लिस्ट बनाना शुरू कर दो, और सब अपनी अपनी लिस्ट बनाएंगे। अब मैं हफ्ते में कंडीशनर 2 बार जरूर लगाऊंगी, बाल खराब हो रहे हैं मेरे। मैं भी सोचता हूँ। सोचो सोचो, सब सारी रात सोचो। सो गए क्या? सुनो। क्यों? इतने सारे सामान के साथ तो बहुत सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी ना। हाँ तो तो क्या? सही में मुझे तो अभी बहुत ही जबरदस्त आइडिया लग रहा है। क्या कर रही हो? लाइट तो ऑफ कर दो ना। बस बस आखिरी आखिरी आइटम। क्या? पूजा के लिए अगरबत्ती। अरे सुबह होगी तब तो होगी पूजा ना, बंद करो लाइट। अच्छा बस 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 एक मिनट ये मिनट एक मिनट।
डेढ़ बजा दिया, तो बुरी दाल का करना है। ओम श्री सस्ताय नमः। चलो भाई आइटम नंबर वन, ठीक है? चलो भाई आप बोलो क्या लिखूं। अरे मेरी मच्छर वाली क्रीम लिख ले पहले। हाँ। और मेरे लिए वो 999 वाला मोबाइल रिचार्ज। अरे पहले घर की जरूरी चीजें तो लिख लो। एक ही चाय? अरे चाय छोड़ो, पहले आइटम लिखो। गेहूं चावल दाल। अरे लेकिन गेहूं कितना? 3 साल में कितना लगेगा? अरे लेकिन मसाले तो 3 साल में खराब हो जाएंगे। अरे तो पहले सारा सामान लिख लो ना, फिर देख लेंगे क्या कितना चलता है, उस हिसाब से ले आएंगे। क्यों भाऊजी? अकल की बात तू यही करे। अरे तू वहां बैठ, सही तो बोल रहा हूँ। किस्मत की बेल बजी, हाँ, खुशियों की डिलीवरी अपने घर हुई। बांगड़ू थी सीधी सी जो जिंदगी करवट लेगी अभी, थी सीधी सी जो जिंदगी करवट लेगी अभी। अरहर की दाल। मेरी एक बात सुन ले पुत्र, अगले 3 साल में मैं गोपाल का ब्याह कराने वाला हूँ, इसलिए राशन 5 आदमियों के हिसाब से ले। अरे 6 के हिसाब से ना लिख दूं? हैं? जब तक बच्चा भी तो हो जाएगा, इसका करता क्या रहता है, दिन भर बैठा ही तो रहता है। टोटल कितने आइटम हुए? अभी गिने नहीं पूरे। अच्छा सुनो, अब जब कुछ पैसे बच ही रहे ना, तो बड़े दिनों से एक इच्छा थी। क्या? बोलो बोलो। अब से ना मैं पैडी यूज करूंगी, उसमें ना कोई झंझट नहीं है। अरे अब 3 साल के लिए इतने पैड एक साथ कैसे खरीदूंगा मैं? दुकान वाला समझेगा मुझे ही बवासीर। एंजॉय लोन को अब फुल करेंगे, काटा था जिस पेट को उसे पूरा भरेंगे। हम एंजॉय लोन को अब फुल करेंगे, काटा था जिस पेट को उसे पूरा भरेंगे। अब खाने की पीने की जीने की कोई फिक्र नहीं है, खाने की पीने की जीने की कोई फिक्र नहीं है। लाइफ में वो टर्न है मारा, 180 डिग्री है सारा, फिर साला कोई क्यों ना हसे। लाइफ ने वो टर्न है मारा, 180 डिग्री है सारा, फिर साला कोई क्यों ना हसे। टॉयलेट के लिए लारपिक चाहिए मुझे। लारपिक की क्या जरूरत है? अरे एसिड से भी तो साफ हो जाता है, कोई मुंह थोड़ी देखना उसमें। और सुनो, कोई फालतू खर्च नहीं बढ़ाएगा। हाँ, वो जोड़ों के दर्द के मालिश के लिए भी तेल। और मेरे लिए मैगी। 3 साल में कितनी लगेगी? अबे पूछ रहा है, बता रहा है, कहाँ से पैदा कर दिया ये चाइनीज लौंडा आपने? माना के नहीं परमानेंट, ये मुट्ठी भर खुशी टेम्पररी बेस पे आई है, पर आई तो सही। माना के नहीं परमानेंट, ये मुट्ठी भर खुशी टेम्पररी बेस पे आई है, पर आई तो सही। ये क्या थोड़ा है मोड़ा है जोड़ा है जिसने रिश्तों को, थोड़ा है मोड़ा है जोड़ा है जिसने रिश्तों को। ना कोई बिजनेस ना कोई घाटा, 3 साल टेंशन को टाटा, प्लान ये रिन्यू होता ही रहे। ना कोई बिजनेस ना कोई घाटा, 3 साल टेंशन को टाटा,
ना कोई बिजनेस ना कोई घाटा, तीन साल टेंशन को टाटा, प्लान ये रिन्यू होता ही रहे। अरे पुतन, अरे क्या है? अरे बेटा थोड़ा गुड़ दे दे। थोड़ा गुड़ दे दे? गुड़ खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया। अरे बेटा बड़ा खाने को मन कर रहा है। अरे बड़ा खाने का क्या मन कर रहा है आपको? महीने में एक बार खीर बना करेगी, मिल जाए करेगी। चलिए। अरे वो कहाँ है? देख लो ये चाबी है उस कमरे की, समझ लो, जो मैं अपने पास रखूंगा। हर महीने के पहली तारीख को सब लोग लिस्ट बनाएंगे, मैं अंदर जाऊंगा, सब सामान लेकर आ जाऊंगा। ये नहीं कि चार साबुन की जगह आठ साबुन और चार किलो चीनी की जगह 12 किलो चीनी, संभाल के हिसाब से 3 साल तक चलाना ये राशन, समझ लो बाबू। गुड़ दे नहीं सकता और लखपति बना बैठा नीच। वेदपाल जी, ये जो 4 लाख रुपए मिलेगा वो नगद मिलेगा या चेक से? मेरा तो अकाउंट भी ना है। अरे लेकिन इतना पैसा घर में नगद रखने में भी तो खतरा है। अरे भाइयों, पहले पैसा तो आ जाना तो देश में वापस। और तू तू तो 2 दिन के बाद आया आज। नहीं, वो थोड़ा सा काम था तो। ना ना ना, कोई काम नहीं भाई, जब तक हम सब मिलके एक साथ आवाज नहीं उठाएंगे ना, कोई नहीं सुनेगा। क्या बात है भाई पुतन, बड़ा शांत है आज। भाई ये 4 लाख तो सबको मिलेंगे साल 2 साल बाद। महंगाई तो तब तक बढ़ती रहेगी, उसका क्या करोगे सोचो। भाई तू तो कल कह रहा था 2-4 महीने में पैसे आ जाएंगे। हमारे पास नहीं, पहले सरकार के पास आएंगे, और हमारे पास पहुंचने में सरकारी टाइम तो लगेगा ना। फिर क्या फायदा, मुझे तो मिलने का है नहीं, तब तक मैं तो निकल लूंगा ना। यशपाल के मुआवजे के 10,000 अभी तक नहीं मिले, 3 साल हो गए। ताऊ तू बैठ जा, तेरे मरने में भी टाइम है, बैठ जा। भैया महंगा आई नहीं, सस्ता आई। अब कैसे सस्ता आई इस बारे में सोचो। जब जाके 4 लाख मिलेंगे ना तब तो मजा आएगा, वरना ये वेदपाल दूसरों के टायर में हवा भरते भरते तेरी एक दिन खुद की पंचर हो जानी है। कल तो बहुत गुस्सा भी कर रहे थे फोन पे। हाँ तो 15 दिन भी तो हो गए ना तुझे आए हुए। हाय उसका तो बुरा हाल होगा, शेर के मुंह खून जो लग गया है अब। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, दादी तो कहती है 1 हफ्ते बाद जाओ। और तुझे कब जाना है? एक आइडिया दूं, तू ना अपने मियाँ को एक सरप्राइज दे, हेयर स्टाइल चेंज करा ले अपना। पर वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? अरे पागल, मर्दों को तो वैरायटी पसंद होती है। गोपाल, आ भाई पुत्तन पाल। अरे कोई है घर पे? गोपाल। हाँ जी भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते जी, ये गोपाल यही रहता है जी? ब्यूटी पार्लर में जी? आगे पार्लर है पीछे घर। तो बुलाओ उसे पीछे से। वो तो है नहीं घर पे अभी। तो पुत्तन पाल को बुलाओ, वो तो ड्यूटी पे गए। आप कौन? जी मैं लोन इंस्पेक्टर हूँ। वो लोन लिया है ना गोपाल ने दुकान के लिए, तो दुकान देखने आया था। तो कहाँ है दुकान? हाँ? वो तो अभी खुली नहीं है। कै बजे खुलेगी? नहीं वो मेरा मतलब है अभी शुरू नहीं की। क्यों? लोन का चेक मिले तो 15 दिन हो गए, नहीं? हाँ वो थोड़ा सा काम में बिजी हो गए थे। अरे भाई काम नहीं था इसी के लिए तो लोन लिया था, अब लोन लेके कहाँ बिजी हो गया? नहीं नहीं वो गोपाल नहीं, उसके भैया। तो कब शुरू होगी दुकान? जी अब ये तो वो ही बता सकते हैं। आप कौन? मैं उनकी वाइफ हूँ। किसकी? भैया की? जी। तो कब मिलेंगे भैया? जी वो सुबह 9 बजे जाते हैं ऑफिस। ठीक है। अच्छा जी,
जी। तीन साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सस्ता खाएंगे। अब तो हम बिल्कुल फ्री में खाएंगे जेल में। अरे तो मुझे क्या मालूम था ऐसा होगा भाई। कड़ी और खीर की प्लानिंग कर ली। अरे 15 दिन बाद क्या होगा ये नहीं पता किया। वो इंस्पेक्टर इतना काइया लग रहा था। बापू से मिला वो? नहीं। एक मिनट, बापू तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। अच्छा कब तक? वो इंस्पेक्टर सुबह 9 बजे से पहले जरूर आ जाएगा। ये मनी पाना साला, उसको तो मैं ना तो ये उसका आइडिया था? ये उसका आइडिया था? नहीं मतलब आइडिया तो इस नालायक की वजह से। मुझे क्यों मार रहे हो बापू? बापू चुप बैठ। क्यों बापू? बापू बापू उनको पता चल गया ना तो चुप। अरे पुलिस तो मुझे पकड़ेगी, लोन तो मेरे नाम पे है। बस बस अब यही बाकी रह गया था। कितने बजे आ रहा हूँ? 9 बजे से पहले। 9 बजे से पहले तू आराम से जाना, आराम से बात करना, कहना कि चले गए दिल्ली, चले गए बोल देना। 1-2 दिन के लिए दिल्ली गए, बहुत जरूरी काम है, बोल देना। हाँ। तब तक मैं कुछ सोच के करता हूँ। मजा आ गया भाई। अरे मैं तो जैसा पराठा का स्वाद ही भूल गया था। अच्छी सोच है भाई पुत्तन तेरी। गोपाल अबे कौन है? पापा जी आप बैठो ना, मैं देखती हूँ। हाँ जी। ओहो आप क्यों आ जाते हो जी बार बार? पुत्तन पाल से मिलना है जी। वो है नहीं, अभी तो 9:15 ही बजे हैं। नहीं दरअसल वो और गोपाल सुबह सुबह दिल्ली चले गए। वेरी गुड, दोनों ही दिल्ली चले गए। अब आप यहाँ कैसे रहोगे अकेले? जी आ जाएंगे 2 दिन में। ये ब्यूटी पार्लर आपका है? जी। तो दुकान कहाँ खुलेगी? जी इस बारे में तो अभी सोचा नहीं है। दुकान खोलने की तो सोची है ना? हाँ हाँ, और क्या? आपको क्या लगता है हमने झूठा लोन लिया है? नहीं पुतन पाल, गोपाल अचानक दिल्ली क्यों चले गए? सामान लाने गए हैं, बड़ी मंडी है वहाँ पे, वहीं से आएगा सारा सामान। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है फिर 2-3 दिन के बाद आता हूँ उद्घाटन के लड्डू खाने। इतने सारे नोट गिनने की आदत अब छोड़ दो लाला। अरे सिंह साहब आइए आइए, बड़े दिनों बाद आओ। ए कुर्सी ला रे। आइए सिंह साहब बैठिए। भाई गर्मी करवा दी आपने। अरे तो राजकाज है। ए प्रभु। और बताओ क्या हालचाल है? कमाई कम होने वाली तुम्हारी। अरे क्यों सुबह सुबह बद्दू बद्दू रहे हो सिंह साहब हैं? अरे सुमन। हाँ जी। बेटा मम्मी से चाय के लिए बोल दे, सिंह साहब आए। अच्छा। और सुनाइए दुकान खुल रही दूसरी मोहल्ले में? दुकान खुल रही है कहाँ? लो जी मोहल्ला तुम्हारा बता मैं। अरे फिर भी। अरे ये पिछली गली में कोई गोपाल है, लोन लिया है। गोपाल? गोपाल पुतन पाल का भाई छोटा। अच्छा। वहीं से आ रहा हूँ। कब खुली दुकान? नहीं भी खुली कहाँ है, इसलिए तो आया हूँ। 15-16 दिन हो गए लोन पास हुए। तो क्या बोला? बोला नहीं बोली, दोनों दिल्ली गए दुकान का सामान लेने। जी हाँ दिल्ली गए, ठेंगा दिल्ली गए। अरे पुत्तन पाल को मैंने सुबह ऑफिस जाते हुए देखा है, और ये उसका छोटा भाई आवारा गोपाल यही घूम रहा था थोड़ी देर पहले। चाय लो आप तो। अच्छा जी। हाँ और क्या? नूरी ब्यूटी पार्लर, कब तक खैर मनाएगी बकरे की अम्मा? चीनी ठीक है सिंह साहब? ना ना चीनी तो ऐसी लग रही जैसे फ्री में बैटरी हो तुम्हें। अरे अपने लिए तो फ्री ही में है। नूरी पुत्तनपाल जी दिल्ली नहीं गए? गया हूँ। क्यों जेल गए हो? गोपाल की दुकान का सामान कब ला रहे हो? चल भाई।
अरे सब लेते हैं, सब लगाते हैं, तुम कहाँ लगा रहे हो? लगा रहे हो मतलब? अरे लोन का पैसा कहाँ लगा रहे हो? अरे पुत्तन जी, अबे ओए मरेगा भोंदू, हट। हाँ भाई, लोन का पैसा कहाँ लगा रहे हो? देखिए भाई साहब, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैं दिल्ली ही जा रहा था, बीच रास्ते से लौटना पड़ गया है मुझे। मेरी बुआ मर गई है ना, तो बस मैं जल्दी जल्दी मैं हूँ। देखिए मैं बाइक भी नहीं रोक सकता, तो मैं बात हो, ये देखिए मेरा मोड़ आ गया, मेरा मोड़ आ गया भाई साहब, मेरा मोड़ आ गया। दुकान खुल गई? अरे दुकान तो बंद कर ले पहले, असली वाली दुकान कब खोल रहा है जी? अरे यार, एक तो तेरी सारी फैमिली को इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है मुझे। मैं लोन इंस्पेक्टर हूँ, गोपाल तू ही है जी, लोन तूने ही लिया है। हाँ जी। तो दुकान भी तू ही खोलेगा, कब खोल रहा है? जल्दी खोल रहे हैं जी। बस सामान नहीं आया तुम्हारा है? देख भाई गोपाल, ये काम है हमारा रोज का, लोन से लोग क्या क्या कर रहे हैं हमें सब पता है, बुद्धू नहीं है हम। दुकान तो तुम नहीं खोलने वाले, नहीं सच सच बता दे क्या कर रहा है पैसों का, वरना ऐसा केस बनाऊंगा चक्की पीसेगा जेल में तेरे नाम पे लोन। नहीं जी, वो भैया जो है ना, भैया से तो मिल लिया मैं तेरे, उसकी तो बुआ मर गई। ठीक है, थोड़ा टाइम और देता हूं, सोच ले तब तक। हाँ आप कल को कह दीजिए मेरा बाप मर गया, दुकान एक साल बाद खुलेगी जब बरसी हो जाएगी। भाऊजी से बोलने के लिए बोल दिया था, आप समझ ही नहीं रहे हो। अरे हट, तूने मेरी जिंदा बहन को मार दिया तो और क्या समझूं मैं? पापा जी, वो इंस्पेक्टर ना बहुत ज्यादा टेढ़ा है। अरे बेटी तो कुछ ले दे के उसको रफा करो। खाने पीने वाला ना है वो, पता कर रखा मैंने सब। तो क्या जरूरत थी वित्त मंत्री बनने की? हाँ, 3 साल तक कीमत नहीं बढ़ेंगे बाबू जी, अब पता चल गया आटे दाल का भाव। बाबू जी वो तो यूं भी कह रहा था, दुकान के लिए नहीं लिया तुमने लोन, उस पैसे का ना कुछ और ही कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि सारी चीजें भी चली जाए और 1 लाख अलग से भरना पड़ जाए। अच्छा हुआ फेल हो गया, वरना 2 लाख भरने पड़ते। अबे बंद कर ये ड्रामा। ड्रामा नहीं है ये, प्रैक्टिस कर रहा हूं। उसने कहा है जेल तो मुझे ही जाना होगा, लोन तो मेरे ही नाम पे है। अरे तो बात यहां तक पहुंच गई, तूने जानबूझ कर ये खुराफात की ताकि ये जेल चला जाए और मैं पोते का मुते का बगैर मर जाऊं। अरे बाबूजी उठो, चलो 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 आओ। अरे यार, यहाँ मेरी जिंदगी उल्टी पड़ी हुई है, यहाँ तू उल्टा पड़ा हुआ है, बताएगा क्या करूँ? अरे यार ये सस्ता ही सोच के ऐसे आ रही है यार, पुत्तन क्या बताऊँ भाई। अब समझ में आया आजकल तेरा सुर क्यों बदला हुआ भाई, सस्ता ही। यार तू फिर हंस रहा है यार, वहाँ मेरा पूरा घर टेंशन में, जब से ये लोन इंस्पेक्टर आया ना। अरे इंस्पेक्टर का मार खोड़े यार, क्या फाड़ू आइडिया दिया तूने? ऐसा आइडिया तो मैंने आज तक नहीं सुना भाई। पुत्तन ये लोन तो मैं भी लूंगा भाई। अरे लोन को मार गोली यार, अभी क्या करूं मैं? अरे उसे दुकान दिखनी है ना, तो दुकान खोल के दिखा दे। और क्या नीचे? कैसी बात कर रहा है, कोई दुकान थोड़ी खोलना चाहता हूं मैं। देख 2-4 दिन के लिए ना दुकान खोल के दिखा दे,
एक बार वो इंस्पेक्टर अपना रजिस्टर में एंट्री कर लेगा ना, उसके बाद बंद कर देना और क्या। लो अब किराए पे दुकान लो, फिर तो हो गई सस्ताई। अरे बावड़े, इतना बड़ा पार्लर है तेरा, उसके दो हिस्से करके एक में दुकान खोल ले। बाद में लोगों को क्या कहूंगा, गोपाल की नालायकी किस दिन काम आएगी। नहीं चला पा रहा था इसलिए बंद कर दी और क्या। हाथ दे। और पुतन, तू चिंता मत कर, सबसे सही रास्ता है। हाँ पिंकी बेटा, पानी गर्म हो गया क्या? हाँ जी। ओह ठीक है पुतन, मैं नहा के ये आया, तू बस 5 मिनट ऐसे ही बैठा रहे, सब ठीक हो जाएगा देखना। ठीक कर ले शाबाश, ये बात आया मैं। अरे गोपाल का तो लंबा हो गया, आगे तो जगह ही ना है। अरे रुक तो जाओ, हो जाएगा, क्यों टेंशन दे रहे हो। जे सही किया तूने, दुकान खुलवा दी इसके लिए। अरे हाँ यार, पर भी बेच नहीं सकते। क्यों? अब मुहूर्त ना, अभी तो तभी खोल लेते। अब तब तक बैठने की प्रैक्टिस हो कर लेगा। जे बात तो है, इसके पिछवाड़े में तो वैसे भी टायर लगे हुए हैं। अब संभल के, अब काम कर, काम तो काम कर। काम कर काम। अरे उधर नहीं, इधर रखना है। सब सामान उधर ही क्यों रखना है तुझे? क्योंकि पार्लर है यहाँ मेरा, अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा, कहीं से दिख तो नहीं रहा है। उसे झांकना होगा ना, तो कहीं से भी जुगाड़ कर लेगा ऐसे। और तुम भी तो बैठोगे यहाँ कभी कभी। अरे पेंट खत्म हो गया, ये क्या हुआ? एक डब्बा और लाना पड़ेगा। सारा तो गोपाल पे लगा दिया इसने। भाई तू रहने दे, ऐसे ही ठीक है। ओके। देख रहा हूँ। अरे सच गए मेरे गोपाल, तेरी दुकान बिक जाए रे तेरा सारा सामान। सच गए। अरे हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया, अब जाओ यहाँ से। अरे चले जाएंगे, थोड़ी दुआएं तो ले ले। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी दुआ। अरे ऐसी दुआएं दूंगी कि दुकान चलेगी। अब हमें दुकान नहीं चलानी बे, जाओ तुम यहाँ से जाओ। हाय हाय, थोड़े से पैसों के लिए कैसे कर रहा है। हाँ लौंडा सेट हुआ तुम्हारा, 1000 से कम एक कमरा लूंगी। हाँ मेरे पास एक पैसा नहीं है, अब जाओ तुम जाओ, जाओ। अरे शादी में है ना इसकी, ताऊ पूरे 5000 देंगे, 5000। हाँ अच्छा तो ना दे रहे हो। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे बाप, मेरी बात सुनो, एक हफ्ते बाद आना, दुकान चलने दे, मैं दूंगा पैसे, जा। चलो रही। हाँ एक हफ्ते बाद आऊंगी। हाँ 1000 से कम एकदम ना लूंगी। हाँ 1000 से कम ना लेंगे। हाँ सच गए रे मेरे गोपाल, तेरी दुकान बिक जाए रे तेरा सारा सामान। अरे भाई एक कोलगेट देना। अरे मैंने क्या बम फोड़ दिया? आया बापू। भाई साहब एक मिनट में आ रहा हूँ। अरे पर आवाज तो आई ना कोई? अरे मेरे पिताजी की आवाज है ना, मुझे ही सुनाई देती है। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हाँ जी आ गया आ गया। कमाल है, यू अजीब सी आप आए भाई। 2 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो मूंग की दाल, सब खत्म हो गया जी। अंडे देते हो भाई साहब? ना जी मुर्गी थोड़ी हूँ। 200 ग्राम घी देना। घी नहीं है। अच्छा 3 टिकी रिन दे दो, वो अभी हवन ही हुआ ना, इसलिए कुछ बेच नहीं सकते, पहले हवन ही करवा लेते। हाँ पर हवन के लिए घी नहीं है ना, अभी तो बताया आपको। साला इंस्पेक्टर पता ना कहाँ मर गया। अरे जब दुकान खोली नहीं थी तब तो पीछे पड़ा हुआ था, अब पता ही नहीं कहाँ है। कब करवाओगे हवन? चॉकलेट नहीं है, कैसी दुकान है। अंकल। हाँ, 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 अब हार्ट फेल कराएगा क्या? बिस्कुट चाहिए। अभी नहीं मिलेगा, पहले इंस्पेक्टर चेक करके जाएगा, उसके बाद माल बिकेगा, समझे? तो खोली क्यों है? अब तो चेक क्या करेगा। जरा चाय पत्ती दो भाई साहब, दाढ़ी का ब्लेड दो,
भाई साहब, भाई साहब, गोपाल, गोपाल, फिर से बोल। तुम्हारी दुकान में किसमिस है? नहीं, किसमिस तो नहीं है। सपने में तो कह रहे थे कि जिंदगी भर किसमिस खिलाऊंगा। तुम्हें कैसे पता? वो सपना तो मैंने देखा था। तुम्हारे सपने में मैं ही तो आती हूँ, तो मुझे क्यों नहीं पता होगा? वो तो है, मेरे सपने में ना सिर्फ तुम आती हो और आकर मुझे ऐसा बेचैन कर देती हो, क्या बताऊं, तुम ही मेरा स्वप्न दोष हो। हाँ? तुम फेसबुक पे हो? हाँ, मेरा मोबाइल नंबर भी है उस पे। अच्छा, वो जो गाना तुम मेरे लिए लगाते हो बहुत अच्छा है। अजी हाँ, मुझे ब्लूटूथ से दोगे? हाँ, क्यों नहीं। अच्छी दुकान है तुम्हारी। थैंक यू। दोस्त लोग तो कह रहे हैं आप शादी कर ले। तो कर लो। फिर क्या सपने आने बंद हो जाएंगे? अच्छा, पहली बार मेरी दुकान पर आई हो, क्या दूं? कुछ नहीं। एनीथिंग, ए बी सी एक्स वाई जेड, जो भी तुम्हें पसंद हो प्लीज। ठीक है, मैगी दे दो। तुम्हें भी मैगी पसंद है? भी अब मीठी लगती है, रात मेरे संग संग जगती है, क्यों बोलो ना। वक्त यूं ही थम थम जाता है, रंग फिजा में रम जाता है, क्यों बोलो ना। क्या तेरे साथ भी होती वो बात है जो मेरे साथ है, बोलो ना। धूप भी अब मीठी लगती है, रात मेरे संग संग जगती है, क्यों बोलो ना। हमी है इस दुनिया में, है नहीं कोई यार। ये जादू है जाने कैसा, नहीं है कुछ भी पहले जैसा, क्यों बोलो ना। दुकान खुली नहीं है सिंह साहब, कुछ और ही चक्कर है। नहीं नहीं,
मतलब दुकान खुली हुई तो है लेकिन सामान नहीं बेच रहे। हाँ मैंने तो पहली बार देखी है सामान न बेचने वाली दुकान। अरे आप आओ तो सही, गायब हो कब से क्या? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। अरे जुलाब का तो बहुत बढ़िया नुस्खा है मेरे पास, केले को दही में मिलाकर दिन में दो बार खाओ और फिर चाहे जितना जोर लगाओ फिर आओ। आपके आने पर ही गुत्थी सुलझेगी। हाँ हाँ जी, राम राम। हाँ जी, तू कहाँ से आ रही भाई? जी वो सविता के घर से। अच्छा हाँ, क्या चाहिए? चाय पत्ती का एक पैकेट देना। चाय की पत्ती का पैकेट देना भाई। देखो हमें क्या देख देख के छे करेगा इसमें? बहुत बढ़िया, पूरे 24 गुण मिल रहे हैं। लो देख लो बाबूजी, परसों में रिश्ता लेकर आया, आज कुंडली मिल गई और आप लोग भी मिल लिए। तो अब देर किस बात की है? लड़की पसंद हो तो फिर लेन देन की बातें। हाँ बोलो भाई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, हम लोग थोड़ा सोच के बताते हैं आपको। नहीं, आपकी कोई डिमांड हो तो वो भी बता दीजिए। हाँ जी हाँ जी। देखिए A1 रिश्ता है जी, लड़का बहुत साल पड़ा है, घर की दुकान है, घर में कोई ननद भी नहीं है और सास की भी कोई कचकच नहीं है। ये लीजिए। अच्छा ये लिस्ट। हाँ लिस्ट। क्या ये? एक सेकंड। ये कुछ गलत लिस्ट दे दी शायद आपने। नहीं नहीं ये लिस्ट है। एक मिनट दिखाइए जरा। ये 500 लीटर पेट्रोल, 500 लीटर की सिंटेक्स की टंकी, ये देखिए आपकी लड़की पसंद है इसलिए 500 लीटर मांगा है, वरना एक रिश्ता 700 लीटर का भी आया था। हाँ आया था। अरे नहीं नहीं, हम तो सोच रहे थे कि दहेज में बाइक देंगे। नहीं नहीं, बाइक तो चाहिए ही नहीं, बाइक है घर में, पेट्रोल चाहिए। लेकिन ये बच्चों का सामान, ये 200 डाइपर, 40 जॉनसन पाउडर। अब देखिए कल शादी होगी तो परसों बच्चे भी होंगे, लेकिन ये सामान तब तक महंगा हो जाएगा। आप शादी में साथ ही भेज देना। पर एक डिमांड तो है मेरी, आपकी बेटी का शादी का मेकअप तो मैं ही करूंगी। भाई आप जो पैसे किसी और पार्लर को देंगे वो मुझे दे देना। भाई वाह, ऐसा समझदारी वाला दहेज मैंने पहली बार देखा है। ऐसा घर दोबारा नहीं मिलेगा आपको। हमें मंजूर है जी। मंजूर। तो बात पक्की? अबे तो अब सीमेंट लगा के पक्की करेगा। ये लगता है पुत्तन जी राजी नहीं है। अगर उनकी और कोई डिमांड है तो हाँ, बता दीजिए। बाकी बातें तो सब हो गई ना, एक दो दिन में मैं बात करके आपको बताता हूँ, खबर करूंगा। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा बाबू जी तो हम निकले फिर। हाँ जी। अच्छा ही, प्रणाम। अच्छा जी नमस्ते। प्रणाम। अरे आग लगा दो 500 लीटर पेट्रोल से मेरी जिंदगी में। मेरी शादी का फैसला ना डाइपर नहीं करेंगे। अरे बेटा डाइपर नहीं है वो रेलवे का ड्राइवर है। अरे तो मेरे ऊपर चढ़ाएगा इंजन, और कोई नहीं मिल रहा क्या उसे अपनी बेटी के लिए? भैया मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अरे मुझसे क्या बोल रहा है, जो करवा रहे उनसे पूछना। वो अभी आपने मुझसे बिना पूछे बुलाया क्यों उन्हें? अरे उसने ना बुलाया बेटा, मैंने बुलाया था उनको। क्यों? क्या सुन ले, फोटो तो देख ले। मिस इंडिया हो ना तो भी ना देखूं, शादी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से करूंगा बस। कोई लड़की पसंद कर रखी तूने? पसंद में तो सिर्फ लड़की मिलेगी, सामान ना मिलेगा। जब दुकान बंद हो जाएगी तो क्या बोलोगी लड़की वालों से? हाँ अरे दुकान बंद करने की क्या जरूरत है भाई, शादी के बाद ये चलाएगा दुकान? मैं ना करने वाला जिंदगी भर ये बनियागिरी वाला काम, और दुकान के चक्कर में आ रहे ना रिश्ते, मैं नहीं बैठ रहा कल से दुकान पे। ये दुकान पे तो बैठना ही पड़ेगा जब तक इंस्पेक्टर ना आता, तब तक तो शादी करा देंगे मेरी। जिसे बैठना हो बैठे, मैं चला। अरे पगले सुन तो। अरे गोपाल। अरे गोपाल, अरे सुन तो। क्या सुन तो, सुन तो, और करा लो शादी, अब तो दुकान पे भी ना बैठेगा वो। सब बावड़े हैं यहाँ तो। अरे अपने सामान की सोच रहे हैं, मेरे सामान की कोई सोच ही नहीं रहा, फट गया मैं। और नहीं तो क्या। अरे फोटो तक नहीं देखी मैंने। अरे मेरी मिस वर्ल्ड तो तू ही है। हाँ पता है मुझे। अच्छा सुन, एक देना यार।
प्लीज यार एक दे दे, देख नींद अच्छी आ जाएगी। एक 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 प्लीज, ओए होए, एक और दे दे बस, एक 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 प्लीज प्लीज प्लीज, एक एक वन। अरे हाय 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 हाय, मजाक कर रहा है, दुकान खुली नहीं, आया पहले से ही, मैं मां मुड़ दूंगा बता रहा हूँ, दोबारा देखियो मत। अरे संभल के भाई, अरे क्यों बद्दुआ ले रहे हो नए नए काम में हैं? अरे वाह, खुल गई दुकान। गोपाल की दुख पूरा तो लिख लेते। कहाँ है गोपाल जी, कहाँ है? गए हैं बाहर, गए। और ये कहाँ लिखा हुआ है जिसने लोन लिया वो 24 घंटे दुकान पे ही बैठे? नहीं, मतलब हगने मूतने भी जा सकता है वो, बीमार भी पड़ सकता है वो। बीमार है वो? नहीं नहीं, बीमार तो हम सब हो गए, फिर भी छुट्टी लेकर के आपके लिए बैठे हैं दुकान पे। आइए देखिए, आप देख लीजिए अपने आंखों से, देख लीजिए, आइए इधर से आइए। हाँ जी दिखाइए। इधर देखिए, ये नारियल तेल, टूथपेस्ट, मैगी, ये देखिए दाल, मिर्ची, वो छोड़िए सर, ये वनस्पति घी, सूंघिए ना। सूंघने के लिए रखा है या बेचोगे भी? भाई 7 दिन हो गए तुम्हारी दुकान खुले हुए, सामान एक भी नहीं बिका। अरे हो गया भाई, हो गया, अपना भी हो गया भाई, सस्ता आई। ले भाई पुत्तन, इसे बात पे मुंह मीठा कर। अरे हुआ क्या? अरे हुआ क्या, मेरा भी लोन पास हो गया बावले। आपने भी लिया है लोन? जी हाँ बिल्कुल, और भाई का ही आइडिया था, इसमें के लो अभी मुंह मीठा करो। करो। अच्छा भाई पुत्तन, हाँ जी सतपाल जी। पापा जी, वो ना कमीना इंस्पेक्टर आया हुआ है, कह रहा है कुछ बेच नहीं रहे हो, आप ना ग्राहक बन के जाना और 2 पैकेट चाय पत्ती ले आना। चाय पत्ती? हाँ। तो ये भाई साहब भी सूंघने वाली दुकान खोलेंगे या बेचने वाली? अरे पुतन आओ जाओ। पुतन एक पैकेट गुड़ दे दे। एक और दे दे, एक और, एक और दे दे। नहीं, हिसाब में लिख लें। हाँ? बेटे से कैसा हिसाब अंकल? हैं? राम राम अंकल, अच्छा हुआ आप आज मिल गए। अंकल जरा अपने बेटे से मेरी सिफारिश कर दीजिए ना। क्या? इन्हें कहिए ना मेरे सांड को उनके ऑफिस में लगवा दे नौकरी पर। सांड को? पापा जी आए क्या? पापा जी चलो खाना तैयार हो गया। खाना खाने के बाद अंकल जी को मीठा खाने की आदत है ना, वही ले रहे थे। आप ये कर रहे हैं, वो क्या है कि हमारे पापा जी अपने नियम के बड़े पक्के हैं। वो जो होता है ना कि जैसे लड़की के घर का कुछ नहीं खाते, वैसे ही हमारे यहाँ लड़के के घर का कुछ नहीं खाते, इसीलिए पापा जी हर चीज के पैसे देते हैं। भाई हम तो ये कहते हैं जमाना बदल गया, छोड़िए अरे जमाने को मारो गोली, अपने अपने उसूल है जी बस। अंकल मेरी सिफारिश करो। और तेरी अंकल की, तू लड्डू ले ले। हा? जा कल तेरा काम हो जाएगा, जा निकल। थैंक यू, जा निकल निकल। तो अंकल जी आपकी दुकान पे पहली बार आया हूँ, कुछ खरीद लेता हूँ। हाँ जी हाँ जी, भाई भाई लीजिए जो मर्जी ले भाई, ले ले दे दो दो दे साहब को। आधा किलो चीनी देना। हाँ चीनी चीनी। क्या हुआ, तराजू नहीं है? बिना वजन के सामान बेचते हो? इतना बड़ा ड्रामा किया और इतनी सी बात भूल गए? पूरी फैमिली शामिल है, मतलब फैमिली बिजनेस है काला बाजारी का। सही सोचा भाई पुत्तन, बिना ब्याज का लोन लेके राशन भर लो, साल 2 साल में दाम बढ़ जाए तो फायदे में बेच दो। वाह भाई वाह, पैसा सरकारी और जेब अपनी भारी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा तो मैं होने भी नहीं दूंगा। एक तो झूठा कारण बता के लोन लिया, ऊपर से काला बाजारी, बहुत लंबे जाओगे पुत्तन बाबू। लोन के गारंटर तो तुम ही हो। कह रहा है कम से कम 2 केस बनेंगे। ना भाई ना,
तेल लेने गई सस्ता आई। मैं तो अब सचमुच दुकान खोल रहा हूँ, तू भी सोच ले अब क्या करना है। अरे दुकान खोलने के लिए थोड़ा लिया था तूने ये लोन, ये तो महंगाई से लड़ने का हथियार है जो तूने हमें दिया है। पता नहीं वो 4 लाख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर इस 1 लाख से कम 3 साल तो चैन से कटेंगे। और इसकी सजा भी ना कम से कम 3 साल है। अरे तू चिंता मत कर, लगता है ये हथियार अब सबके हाथ में थमाना ही पड़ेगा। ना तो हम जेल जाएंगे और ना महंगा खाएंगे। कर रहे थे पर यहां तो मेला लगा हुआ है सिंह साहब। भैया गुड़ दीजिए। अरे रुको तो, लाल मिर्च, काली मिर्च, कश्मीरी मिर्च, मुझे चाय पत्ती दे दो पहले, पानी चढ़ा के। हाँ अभी दे। अरे ये लो चाय पत्ती, आधा किलो गुड़ दे। अरे सब शुरू हो जाओ, साला दूरबीन से मैं देख रहा है। चले चल 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 देता हूँ। ए लखनपाल जल्दी उठो भाई, ओ गुड दे रहे हैं। सामने ड्रम में इसे भी यही जगह मिली थी। और सुन ढंग से भी थोड़ा इसे, बस समझ लो जी हो गया काम। अरे क्या हो गया सिंह साहब, दूसरी बोतल है ये, आंख में कुछ चला गया क्या? आंख में तो धूल झोंक रहे हैं साले। कुछ पता चला? सारे के सारे मिलके दुकान दुकान खेल रहे हैं। अच्छा, एक आदमी तो 3 दिन से टूथपेस्ट ही खरीद रहा साला। अच्छा, चक्कर समझ नहीं आया लाला, ये सारे लोग मिलके पुत्तन पाल का साथ क्यों दे रहे हैं? अरे सब एक ही मंडली के हैं सिंह साहब। हैं? वो वेदपाल है ना वेदपाल, ये सब उसके साथ मिल करके काले धन के विरोध में धरना देते हैं। वेदपाल? हाँ। उसके लोन के तो लड्डू भी खाए थे। हाँ। सही कह रहे हो लाला, एक ही मंडली है। कहाँ रहता कहाँ है ये वेदपाल? ये आगे दाहिने हाथ को जो गली जा रही ना, बस बाएं साइड पे 3रा मकान है।
बेल खराब है? नहीं लाइट नहीं है, तू कौन? गोपाल है? गोपाल आ गया है दुकान पे? मैं वहां नहीं जा सकती, प्लीज आप गोपाल को यहाँ बुला देंगी? गोपाल जरा यहाँ आ तो। आ रहा हूँ। तू राशनपाल की बेटी है ना? जी रामपाल जी की। हाँ मतलब भाई वो राशन वाले रामपाल। हाँ। जी अरे मेरा कच्चा बनियान कहाँ है? अरे वहीं पड़ा है पलंग पे। तू यहाँ? मम्मी पापा को सब पता चल गया है, वो मेरी शादी कहीं और करवा रहे हैं। पता है कल से मुझे बंद किया हुआ था, मैं घर से भाग के तुम्हारे पास आ गई हूँ। तभी तो इतना हाँफ रही है। रुक जा पानी लाती हूँ। मैं घर छोड़ के आई हूँ, ये देखो। ये क्या है? मेरा एज सर्टिफिकेट है, मैं 18 की हो चुकी हूँ। हम दोनों पुलिस स्टेशन जाके शादी कर सकते हैं, और आजकल तो चैनल वाले भी वहीं आ जाते हैं, हमें कोई डर नहीं है। अरे हमें शादी करनी है कि रियलिटी शो? अभी इतनी जल्दी? अरे कहाँ रहती हो, तौलिया पहन के जाऊँ क्या? देखो शादी करने आई है, तैयार हो जाओ जल्दी से। किससे? अंकल भैया मैं रामपाल जी की बेटी हूँ। ये पापा। ए पुत्र पाल। आप मुझे बताइएगा नहीं कि मैं यहाँ हूँ? हाँ भाई खोल रहा हूँ। हाँ सुमन आई तेरे घर में? मैं 18 साल की हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ए सुमन चल कर चल। नहीं क्यों री, शर्म ना आ रही? माँ बाप की नाक काट रही है सबके सामने। वैसे कानून के हिसाब से तो ये दोनों अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। नकली लोन लेके नकली दुकान खोल के हमें कानून मत सिखाओ। जाओ बढ़िया। ये गलत है बाबूजी। ए पुतन तू भी ठीक नहीं कर रहा है। तूने बड़ा ठीक किया था, 45 रुपए का आटा 48 में बेच रहा था। अरे तो 3 रुपए के चक्कर में मेरी बेटी से बदला लेगा? अरे उसी 3 रुपए के चक्कर में तो जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। 3 रुपए? अंकल मेरी शादी के लिए भी ना बहुत रिश्ते आ रहे थे। अच्छा? और वहां से तो बहुत दहेज भी मिल रहा था, मगर मैंने मना कर दिया। मुझे दहेज नहीं, सुमन चाहिए। सुमन चाहिए? अरे खिलाएगा कैसे? अरे खाने की चिंता आप मत करो, उसका तो जुगाड़ है अपने पास। अरे भाई ये दरवाजा किसने खुला छोड़ रखा है? अरे रामपाल तू? नमस्ते। छोरी कौन है भाई? जी सुमन। ए पुतनपाल सोच ले, बात बढ़ानी है सुलझानी है। अब ये ना समझना कि हम लड़की वाले हैं तो दब जाएंगे। हाँ लड़की वाले, ये चक्कर क्या है भाई? बाबूजी हम शादी करना चाहते हैं। और ये है मेरा एज सर्टिफिकेट, मैं 18 की हो चुकी हूँ। अरे तू चुप रहे। हाँ ठीक है। बहुत हो गया ड्रामा अंकल, आप गोपाल को बोल दो कि हमारी बेटी को घर भेज दे चुपचाप। अरे भाई तो क्या उसने तेरी बेटी को पकड़ रखा है? बाबूजी पकड़ नहीं रखा, इन्होंने फुसला रखा है मेरी बेटी को। देवी जी लड़की तो 18 साल की है, जब 18 साल की लड़की सरकार चुन सके है तो अपना पति क्यों ना चुन सके? पुलिस आई है। लगा लगा ये लगा, पकड़ इन सबको। हाँ ये सबके सब हैं। कौन है भाई, कहाँ है पुलिस? काली पैंट वाला दुकान पे। सब शामिल हैं, इसे भी ला, इधर खड़ा करो सबको, उसे भी ला, हाँ उसे भी ला, चलो। अरे क्या हो गया? सब जाएंगे जेल में। ऐसे कैसे चले जाएंगे जेल में? कर क्या दिया हमने ऐसा? वेदपाल एक मिनट पुत्तन सुन तो ले भाई, क्या कर दिया बताओ? कोई बताएगा हो क्या रहा है? ताला लगा रहे हैं, फर्जी दुकान है। फर्जी दुकान है? किसने कहा फर्जी दुकान है? मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत तेज चले ना तेरी खोपड़ी, अब उतनी तेजी से जेल भी जाना बेटा। जेल क्यों जाना जी, दुकान तो चल रही है हमारी। अच्छा और चल के जाती कहाँ है? ये वेदपाल के घर। यही कहता है ना काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ, इसी के घर में वापस होता है काला धन तुम्हारा। सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके जमाखोरी करते हो तुम, हैं? और तुम सब लोग साथ दे रहे हो इसका। अरे क्या हो गया सिंह साहब? अरे कई दिनों से नाटक कर रहे हैं, आज पकड़ में आए साले। अरे आप तो हाथ धो एकदम पीछे पड़ गए साहब, दुकान पे ग्राहक खड़े और आप कह रहे हो कि नाटक कर रहे हैं। कहाँ है ग्राहक, कौन है भाई, कहाँ है? हाँ जी आप ग्राहक हो, क्या खरीदा आपने? आपने क्या खरीदा? हाँ किधर है चाय शक्कर? हाँ क्या लिया आपने? लेने आए थे सर। हाँ लेने आए थे, ये देखो इतने ग्राहक खड़े हैं, किसी ने कुछ नहीं खरीदा, क्या कर रहे थे? हाँ मेरे आने की चौकीदारी कर रहे थे। सर क्या सबूत? सबूत दुकान के लिए जो माल लिया था उसका बिल दिखाओ। वो उसका बिल? हाँ अभी चेक करेंगे कि लिस्ट में से कितना सामान बिका है। सर 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 साइड में हट जा, तेरी दुकान पे धाड़ पड़ी है, सरकारी काम में रुकावट करेगा तो खेद होगा बाद में, हट। ये मिल गई लिस्टें, यही तो ढूंढ रहा था मैं। ब्रिजपाल 1 किलो चीनी 40 रुपए।
तेजपाल एक कोलगेट एक नारियल तेल 50 रुपए, उदयपाल 4 साबुन 36 रुपए। यही लिस्ट है ना? हाँ भी पुत्तन, जो शाम को वेदपाल के घर जाती हैं और पैसे वापस मिलते हैं तुम्हें। अरे रुक दे, यहीं रुक दे, अपना ठिकाना आ गया, यहीं रुक दे, गाड़ी बंद करके यहीं खड़ा रहियो, आता हूँ मैं। हैं? ये क्या है, इतनी भीड़ क्यों है भाई? हैं? अरे अरे आप तो भारी मिल गए, ये क्या है चोर पकड़ के? अच्छा अच्छा, दुकान से सामान चुराने आए होंगे साले। हैं? अब तू कहाँ से आ गया भाई? नहीं नहीं, वो क्या है ना, आपने और भाभी जी ने सीमेंट लगा पक्की कर दी थी बात, पुत्तन जी थोड़ा संकोच कर रहे, सोचा इनका मन खुश कर देते हैं। पुत्तन जी आपके लिए अलग से। ये कौन है? नहीं मैं तो ये भाभी जी से मिलने आया था। नमस्ते भाभी जी, आप तो ये चोरों की सुताई करो बस ठीक से। अरे ये सब क्या है? ये अरे सोचा अभी से रखवा लेते हैं, बाद में महंगा हो जाएगा, 2-4 महीने की तो बात है। एक मिनट, कहाँ गया ये? ये लीजिए, ये लो, चेक कर लो सब ठीक है, लो ना रखो। ये सारा सामान पुत्तन के लिए लायो? हैं जी हाँ, क्यों? अभी बताता हूँ, धर ले भाई से भी। अरे सर, अरे क्यों? चेक कर इसका। अरे इसी को बोल रहा भाई, इसने क्या किया है? और क्या, सारा सामान यहाँ जमा हो रहा है, है? हाँ भाई, कहाँ से आया तू? बड़ौद से। बहुत सही टाइम पे आया बेटे, बहुत सही टाइम पे आया। सर जी। हाँ। ये तो बहुत बड़ा गैंग लग रहा। हाँ, कौन है तुम्हारा बॉस? अरे सर जी, ये मेरे होने वाले समधी हैं। भाई साहब एक मिनट छोड़ो ना। अब आप सरकारी दामाद हो। ओ, इतने सारे डाइपर, सारी फैमिली अभी तक बिस्तर पे ही करती है क्या? क्या है भाई ये सब? सर जी, जो लिस्ट में लिखा था वही लाया हूँ जी। किसने दी थी लिस्ट? भाभी ने। अरे नूरी, लेकिन वो एक तो... सर, इनके ना गोपाल के रिश्ते की बात चल रही है, अभी सर बात चल रही है, पता नहीं क्यों सामान ले आए ये सब। क्यों? ये भाई साहब ने तो अभी नूरी जी को लिस्ट देके कहा है कि सारा सामान चेक कर लो। देख रहे हो सिंह साहब? हाँ। हम भी ढके जाते साथ में। अच्छा, अरे हम तो अपनी बेटी का रिश्ता तय करने आए थे गोपाल के साथ इस फैमिली में। अरे क्या करें, बच्चों की मर्जी थी इसलिए आए। हाँ। हमें क्या पता था यहाँ जमाखोरी चल रही है। झूठ बोल रहा है ये आदमी। कहाँ कहाँ हो रहा है गोपाल का रिश्ता? झूठ झूठ बोल रहा है यार। मैं झूठ बोल रहा हूँ, रुक एक मिनट। गोपाल, तुझे सुमन से शादी करनी है या नहीं बोल। जी। देख मुंह खोल दिया इसने, चुप कर। अरे बता क्यों नहीं रहा है कि दहेज में मांगा था ये सब सामान। बोलो। गोपाल की शादी? बाय, बड़े ही झूठे हैं सारे के सारे, ऐसे नहीं मानेंगे। सूत के लगेंगे दो दो डंडे, तब बोलेंगे सच। चलो बिठा गाड़ी में। अरे सर, चलो भाई चलो, दोनों सुन, को बिठा। सुनिए बाबूजी, क्या कर रहे हो आप? अरे क्या कर रहे हो आप? ऐसा क्या बना रखा बाबूजी? साहब साहब, मेरे बच्चों को माफ कर दो, माफ कर दो, छोड़ दो साहब। साहब बावड़े हैं, गलती है उनसे। मैं दुकान बंद कर दूंगा, मैं लोन भी चुका दूंगा साहब। मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मेरे बच्चों को। क्या करो? अरे छोड़ यार, क्या कर रहे हो आप? किसी के भी पैर पकड़ ले रहे हो आप? क्या किया हमने ऐसा? हाँ भाई, क्या किया हमने ऐसा जो हमारे परिवार की ऐसी बेइज्जती हो रही है? अरे कितनी बार बताना पड़ेगा, दुकान फर्जी है। अरे है फर्जी, नहीं बेचते हम किसी को कुछ, लेकिन फिर भी ये एक दुकान है, मेरे भाई की दुकान है, गोपाल की दुकान, जो सिर्फ मुझे सामान बेचती है। इसमें किसी को क्या परेशानी है? मुझे सिर्फ एक ऐसी दुकान चाहिए जहाँ रातों रात कीमत ना बढ़ती हो, मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। बेचना ही है ना, ये लो, ये मैंने खरीदा गुड़, ये रहे पैसे, ये रहा तराजू। अब इसका फैसला भी आप ही करोगे कि किसको बेचना है? हाँ भाई साहब, महंगा होने पर बेचना नहीं चाहते साहब, हम महंगा होने पर सस्ता ही खरीदना चाहते हैं। इसमें आपको और आपकी सरकार को क्या परेशानी है? इधर खड़ा रहता है, पकड़ इसे। लोन दिया है ना इसे रोजगार के लिए, ताकि अपने परिवार का पेट भर सके, वही तो कर रहा है ये। चीजों के दाम बढ़ते जाएंगे तो कहां से परिवार का पेट भर सकेगा? तो इससे अच्छा रोजगार क्या हुआ कि 3 साल तक आप उसी कीमत पर भर पेट खा सको? हाँ,
ये तो आपकी सरकार भी नहीं कर पा रही। अरे अपनी जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा करना जमाखोरी कहलाता है। अरे जब अखबार में खबर छपती है कि रात 12 बजे से पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, तो पेट्रोल पंप जाते हो कि नहीं टंकी फुल करवाने? वो जमाखोरी है ना। वो पेट्रोल आप बेचते नहीं हो, बल्कि अपने ही कुछ पैसे बचाते हो ताकि कल को आपके जरूरी खर्चों में कोई कमी ना हो। बस इसी चिंता में जिंदगी खर्च छोड़ी। खर्चों के डर ने तो जरूरतें कम कर दी हमारी। महंगाई की वजह से कितनी जरूरी चीजें हमसे कब छिन गई पता भी नहीं चला। महंगी सिर्फ चीजें नहीं होती, बल्कि उसके साथ सब कुछ महंगा हो जाता है। रिश्ता भी, नाता भी, प्यार भी, हंसी भी। बाबूजी, जिस दिन इनके मन का खाना बनता है ना, दो दिन तक खुश रहते हैं मुझसे, प्यार से बात करते हैं मुझसे। बाबूजी, एक बार, सिर्फ एक बार साल में माँ का श्राद्ध आता है, उसमें भी खर्चा बचाने की सोचता हूं मैं। महंगाई की चिड़चिड़ाहट ने सब खत्म कर दिया, रिश्ते नाते सब कुछ। खर्चे के डर से कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं होती। डर लगता है कि भगवान कोई मेहमान ना आ जाए कभी। दो साल से अपनी बीवी को पिक्चर तक दिखाने नहीं ले गया हूं। बाइक पेट्रोल की जगह खून चूसती है, खून। कई सालों तक मुझे भगवान से शिकायत थी कि उसने मुझे औलाद नहीं दी, लेकिन आज सोचता हूं कि औलाद होती तो पता नहीं उसे ढंग से खिला पाता कि नहीं। बाबूजी, हम सड़क पे आ चुके हैं बाबूजी। अरे बावले, सभी कहता था कि मेरा मटन खाते हो तुम। अरे गोली मार ऐसे बटन को जिसमें तेरा खून मिला हो, खून मिला हो। अब तो ससुराल मटन भी मेरे हाथ में फंसे। केबल पे तो इतनी पिक्चरें आती कि हॉल में जाने का दिल ही नहीं करता मेरा। भैया उठो, आओ। बात तो सही है सिंह साहब, मैं भी 2 साल से नहीं गया अपनी बहन के पास राखी पर। यहीं से 500 का मनी ऑर्डर भेज देता हूं। क्या करें, साल में 2 बार महंगाई भत्ता मिलता है और 11 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं। बैंक में पैसा जमा करते हैं ना तो सरकार 4% ब्याज देती है और महंगाई हर साल 10% बढ़ जाती है। बैंक में पैसा जमा करने से तो अच्छा है कि आदमी राशन भर ले। महंगाई ने तो सबको रुला रखा है जी। अरे तो इसका मतलब यह है कि हर आदमी धोखाधड़ी शुरू कर दे, फिर तो कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा। धोखाधड़ी कहाँ है सिंह साहब, लोन तो ये लोग चुका ही देंगे, रही बात दुकान की तो खुद को ही माल बेचेंगे। वैसे सिंह साहब, पुत्तन का आइडिया है तो सिस्टम के अंदर ही। ये सब लोग क्यों साथ दे रहे हैं इसका, इन्हें क्या मिलेगा? हम सब भी ढूंढ रहे हैं जी अपने लिए ऐसी दुकान। फाइल दे, पेन दे, पेन। गोपाल, यहाँ एड्रेस बोल। 24/3, हाँ, पाल नगर सोनीपत, हरियाणा। देख भाई पुत्तन, तू सामान चाहे खुद को बेच या किसी और को बेच, दुकान रोज खोलनी पड़ेगी, हमें ऊपर भी जवाब देना पड़ता है। जी, मैं रोज खोलूंगा, मैं खोलूंगा दुकान, मैं बैठूंगा। और ये पूरा लिख, दुकान। हाँ, 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 वो सर, 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 मैं जाऊं? मैं जाऊं सर? हाँ जा, चलो। सर, 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 आप भी हैं, पुलिस भी है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं।
जी सर। और सर मैं 18 की हो चुकी हूँ, यह है मेरा एज सर्टिफिकेट। हाँ तो गोपाल जेल भी नहीं जा रहा, अब तो हो जानी चाहिए तुम दोनों की शादी, कोई परेशानी है क्यों बेलाला? हाँ जी बोल भाई। अभी बोल दे, कोई एतराज है तू? नहीं दोनों की शादी करा देगी, पुलिस है यहाँ पे। अरे नहीं नहीं अंकल, शादी तो हो जाएगी, पर एक शर्त है मेरी। बोल। इस महंगाई के जमाने में मैं दहेज नहीं दे सकता। अरे मंजूर। ये लो भाई। जी। पैर छू लो। जी। अरे सिंह साहब मैं छोड़ाऊं क्या? तुम तो शादी की तैयारी करो। वेदपाल जी मेरा भी लोन पास हो गया। मिले तो छोड़ो ना ये नुस्खा है ये टूट। आउन दे खुशियां, आउन दे पैसे, आउन दे सपने, आउन दे आउन दे खुशियां, आउन दे पैसे, आउन दे सपने, आउन दे जीना हुआ या बटेड़ी खीर यहाँ मित्रो, और रिच हुए और भी अमीर यहाँ मित्रो। जीना हुआ या बटेड़ी खीर यहाँ मित्रो, रिच हुए और भी अमीर यहाँ मित्रो। सिस्टम में रह के ही सिस्टम से लो रास्ता खोज, तभी तो बन पाएंगे गंगू तेली राजा भोज। तान के चादर सोएंगे और गाएंगे हर रोज। रोटी आउन दे कपड़ा, आउन दे कोटी, आउन दे खुशियां, आउन दे पैसे, आउन दे सपने, आउन दे जिन्होंने खंबे में कभी होश जी, और अब कर डाली उन्हें बुआ बेहोश जी। हाय खोया ना जिन्होंने खंबे में कभी होश जी, अब कर डाली उन्हें बुआ बेहोश जी। रुपए ने आखिरकार दिखाई ऐसी अपनी जात, रोज बड़े फिर भी साले की कम हो गई औकात। कर लो अपना भी जुगाड़ कहीं पड़े ना बम पे लात। आउन दे चेक से, आउन दे कैश में, आउन दे डीडी, आउन दे आउन दे पैसे, आउन दे चेक से, आउन दे